और दूसरे वाला हमने ये वाला करना था, ठीक है। ओके तो अब हम आगे रिएक्शन की बात करते हैं, आगे प्रिपरेशन की बात करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स फ्रॉम, अब एल्डिहाइड कीटोन कर लिया तो नेक्स्ट पार्ट क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। जब कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपरेशन की बात करते हैं तो हमारे पास एक पहला रिएक्शन है जिसे बोलते हैं बोरोडाइन होन्स डायकर रिएक्शन। अक्सर किताबों में इस रिएक्शन को एज द हुंस डायकर रिएक्शन लिखा जाता है, रादर देन बोरोडाइन हुंस डायकर रिएक्शन। पूरा बोलने की जगह सीधा सीधा हुंस डायकर रिएक्शन बोल देते हैं। अब इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास क्या है? वी हैव अ कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH। इस कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट करवाया जाता है Ag प्लस के साथ। नाउ Ag प्लस का जो सोर्स है दैट इज द टॉलरेंस रिएजेंट। ठीक है, द टॉलरेंस रिएजेंट इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ Ag प्लस। टॉलरेंस रिएजेंट क्या होता है? सिल्वर मेरा टेस्ट तो है लेकिन टॉलरेंस रिएजेंट क्या है? कुछ ऐसा सा होता है, ठीक है। तो टॉलरेंस रिएजेंट बनाने का तरीका क्या होता है? वी हैव द सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, ठीक है। अरे रुकना, ये नहीं है टॉलरेंस रिएजेंट। इस सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के अंदर हम ड्रॉप वाइज अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं, ठीक है। जब हम इसमें ड्रॉप वाइज अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं तो पहले ये AgOH बना के प्रेसिपिटेट होता है, फिर इसमें जब हम एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं तो दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू AgNH3 होल ट्वाइस NO3, ठीक है। दिस इज व्हाट वी कॉल एज अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट। दिस अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज कॉल्ड टॉलरेंस रिएजेंट। इज इट ओके? ठीक है, तो इस टॉलरेंस रिएजेंट के साथ जब हम इसको रिएक्ट करवाते हैं तो हमें मिल जाता है RCOOAG। ये माइनस है, ये प्लस है, ठीक है। दिस इज सिल्वर कार्बोक्सीलेट, ठीक है। अब हम इस सिल्वर कार्बोक्सीलेट को RCOOAG को अगर हम रिएक्ट करवा देते हैं विद Br2, ठीक है, तो हमें मिल जाता है RBr प्लस AgBr प्लस CO2। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी हैव एज बोरोडाइन हुंस डायकर रिएक्शन। अब इस बोरोडाइन हुंस डायकर रिएक्शन के अंदर एक छोटा सा इंपॉर्टेंट ट्विस्ट है जो तुम्हें याद रखना है। हमारे पास यहां पर इस कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर ये वाला COH का कार्बन था। अब ये जो अल्काइल हैलाइड हमारे पास बनी है, इस अल्काइल हैलाइड में हमारे पास एक कार्बन कम है। सो द प्रोडक्ट व्हिच इज फॉर्मड कंटेन्स वन कार्बन लेस देन द कार्बोक्सिलिक एसिड दैट वी स्टार्टेड विद। ओके, तो ये कहलाता है स्टेप डाउन रिएक्शन। इसे कहते हैं स्टेप डाउन रिएक्शन या इसे बोलते हैं डिग्रेडेशन रिएक्शन, ठीक है। अ रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट कंटेन्स वन कार्बन लेस देन द रिएक्टेंट इज टर्म्ड एज द डिग्रेडेशन रिएक्शन और द स्टेप डाउन रिएक्शन। अरे मेरे भाई, अगर लेटर से ये कार्बन, ये आर है, इसके अंदर सीओएच में ये कार्बन डाइऑक्साइड यहां से निकल गया ना,
अगर कार्बन डाइऑक्साइड निकला है तो ये जो अल्काइल हलाइड है इसमें जितने कार्बन थे उससे कम होने चाहिए ना, तभी तो एक कार्बन निकला है. इज इट क्लियर? सो द अल्काइल हलाइड विच इज फॉर्म्ड कंटेन्स वन कार्बन लेस दैन द कार्बोक्सिलिक एसिड दैट वी स्टार्टेड विद. जिस कार्बोक्सिलिक एसिड से हमने स्टार्ट किया, चलो यार एक एग्जाम्पल ले लो. लेट अस से हमारे पास है CH3CH2COOH. इस कंपाउंड का नाम है प्रोपेनोइक एसिड. एसिड ठीक है, हमने इसको रिएक्ट करवा दिया एजी प्लस के साथ, टॉलरेंस रिएजेंट के साथ, हमें मिल गया CH3CH2COOAG. ठीक है, अब इसको हमने रिएक्ट करवा दिया Br2 के साथ, तो हमारे पास है CH3CH2COOAG प्लस Br2. अब हमें प्रोडक्ट्स में क्या मिलेगा, हमें मिला CH3CH2Br अलॉन्ग विद AgBr अलॉन्ग विद CO2. अब इसका क्या नाम है, इथाइल ब्रोमाइड. हमने स्टार्ट किससे किया था, प्रोपेनोइक एसिड से. मिला क्या, इथाइल ब्रोमाइड. स्टार्ट किया था, कितने कार्बन थे उसमें, तीन. और प्रोडक्ट में कितने मिले, दो, एक कार्बन कम हो गया. इसे कहते हैं डिग्रेडेशन रिएक्शन, इसे कहते हैं स्टेप डाउन रिएक्शन. एनी कंफ्यूजन्स? ठीक है, कोई प्रॉब्लम? तो ये था हमारे पास बोरोडाइन हुंस डायकर रिएक्शन. आगे शिफ्ट करूं, लिखो फिर. फाइन, ओके. अब देखो इस पर्टिकुलर रिएक्शन का एक छोटा सा मॉडिफिकेशन है. अगर हम यहां पर रिएक्शन के अंदर हमारे पास है
आर सी ओ ओ एच, इस आर सी ओ एच को रिएक्ट करवा देते हैं हम ए जी प्लस के साथ, तो हमें मिल जाता है आर सी ओ ओ माइनस ए जी प्लस, ठीक है। अब इस आर सी ओ ओ माइनस को, ए जी प्लस को अगर हम रिएक्ट करवा दें इंस्टेड ऑफ ब्रोमीन, अगर हम इसको आयोडीन के साथ रिएक्ट करवा दें, तो हमें मिल जाएगा आर आई अल्काइल आयोडाइड अलॉन्ग विद ए जी आई प्लस सी ओ टू, ठीक है। अब एक छोटी सी बात है, अल्काइल आयोडाइड इज एक्सट्रीमली रिएक्टिव, और बिकॉज अल्काइल आयोडाइड इज एक्सट्रीमली रिएक्टिव, ये रिएक्शन यहां पे रुकता नहीं है, ये आगे चला जाता है। दिस अल्काइल आयोडाइड विच इज फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन इज गोइंग टू फर्दर रिएक्ट विद अनदर पार्टिकल, अनदर मॉलिक्यूल ऑफ सिल्वर कार्बोक्सिलेट, और सिल्वर कार्बोक्सिलेट के साथ जब ये रिएक्ट करवाता है तो ये बन जाता है आर सी ओ ओ आर प्लस ए जी आई। नाउ द फाइनल प्रोडक्ट इज नॉट अल्काइल हैलाइड, द फाइनल प्रोडक्ट इज एस्टर, तो ये एक एस्टर बन गया। अब ये जो रिएक्शन हुआ है इसका एक अलग नाम है, दिस इज कॉल्ड बिर्नबॉम सिमोनिनी रिएक्शन। दिस इज बिर्नबॉम सिमोनिनी रिएक्शन, क्या हुआ? तो बोरोडाइन हुंसडायकर बड़ा कॉमन सा नाम था, वो भी तो अजीब सा था। फिर यहां पे एक बात बताओ, पूरी की पूरी केमिस्ट्री में कौन सा नाम सीधा सीधा है? सारे ही तो अजीब है, मार्कोनी, मार्कोनिकॉफ, कौन सा सिंपल है? सेट्जेव रूल। फिर नामों की अजीबता की बात करोगे तो बहुत ही अजीब नाम मिलेंगे। Is it clear? So this is what we have as a Brennbaum-Simononi reaction, which converts the carboxylic acid into esters. अच्छा, एक बड़ा डरावना सा नाम भी है, हेल, वॉलहार्ड, ज़ेलेंस्की रिएक्शन। अगर फुल फॉर्म में लिखते हो तो किसी शैतान का नाम लगता है, अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखते हो तो वायरस का नाम लगता है, ठीक है। और रिएक्शन बहुत ही सिंपल है, रियली हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसके पास एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। इस कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें एक अल्फा हाइड्रोजन है उसको हम रिएक्ट करवा देते हैं Br2 के साथ, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। जब इसको रिएक्ट करवाते हैं तो बड़े शराफत से ये जो एक हाइड्रोजन यहां पर लगा हुआ है ये रिप्लेस हो जाता है और इसकी जगह ब्रोमीन आ जाता है। यहाँ पे क्लोरीन भी हो सकता है लेकिन हम प्रेफर ब्रोमीन को करते हैं क्योंकि ब्रोमीन अब इस अल्फा हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके चुपचाप बैठ जाता है, क्लोरीन अल्फा हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके फिर आगे बीटा पे भी घुस जाता है, तो हम शरीफ लोगों की बात करें तो ब्रोमीन शरीफ है, ओके। और यहां पर हमें मिल जाता है अल्फा हैलो कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अल्फा बीटा का मतलब नहीं पता आपको? क्या नहीं, वैसे क्या पता है अल्फा बीटा का क्या होता है? अल्फा पार्टिकल, हाँ, और बीटा मैथमेटिक्स में अल्फा बीटा कहाँ यूज करते हो? वेरिएबल, तो अल्फा बीटा वेरिएबल्स हैं यार, सीधी सी बात है, कहीं पर भी यूज कर लो, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, हमारे पास कुछ फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, जैसे फंक्शनल ग्रुप हमारे पास हो गया Cl,
हमारे पास हो गया बी आर या ओ एच, या हमारे पास हो गया सी एच ओ, हमारे पास हो गया सी ओ एच, ठीक है। दीज आर फंक्शनल ग्रुप। कुछ फंक्शनल ग्रुप में कार्बन होता है, कुछ फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं होता। अल्कोहल, अल्काइल हलाइड, अमीन्स, इन फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं है, ठीक है। लेकिन एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, इनमें कार्बन है। इज दैट ओके? ठीक है। इस फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन अटैच होता है उसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं। इस अल्फा कार्बन के साथ जो कार्बन अटैच है वो बीटा कार्बन है, यानी कि ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। अल्फा और बीटा इज समथिंग लाइक पड़ोसी ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो पहले आप फंक्शनल ग्रुप डिफाइन करते हैं, फिर उसके साथ वाला कार्बन अल्फा हो जाता है, उसके साथ वाला बीटा हो जाता है, पड़ोसी का पड़ोसी। ओके अब इस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच्ड है, अब इट इज समथिंग लाइक पड़ोसी का बेटा, ठीक है। तो ये अल्फा हाइड्रोजन है। इज इट क्लियर? तो हाइड्रोजन की अपनी कोई जात नहीं होती, वो जिस कार्बन से अटैच होता है हाइड्रोजन, उसी के नाम से जाना जाता है। इज इट क्लियर? एज सच फॉर द टाइम बिंग आपकी अपनी कोई पहचान नहीं है, आपको हर कोई आपके फादर के नाम से पहचानता है। वही बात यहां पे हाइड्रोजन की है। इज इट क्लियर? तो द कार्बन अटैच टू द फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड द अल्फा कार्बन, द हाइड्रोजन अटैच टू द अल्फा कार्बन इज कॉल्ड द अल्फा हाइड्रोजन। इज दिस क्लियर? तो यहां पर दिस बिकम्स द फंक्शनल ग्रुप। इस फंक्शनल ग्रुप के साथ ये जो कार्बन अटैच है ये है अल्फा कार्बन, और इस कार्बन के साथ ये जो हाइड्रोजन अटैच है ये है अल्फा हाइड्रोजन। इज इट ओके? जब हमने हैलोफॉर्म रिएक्शन किया था तो मैंने बोला था ना तीन अल्फा हाइड्रोजन, तब कैसे समझ में आया था? तब भी तो बोला था मैंने अल्फा हाइड्रोजन। देखो तो ऐसे शॉक मत दिया करो, जब कोई चीज नहीं समझ में आए उसे उसी समय पूछो। अगर तुमने उस समय नहीं पूछा तो मैं ये मान लूंगा कि वो तुम्हें आता है और फिर मैं आगे बढ़ता चला जाऊंगा। समझ आ गई बात? ओके क्लियर? ओके सो दिस इज व्हाट वी हैव एज हेल वोलहार्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन, एंड हियर वी हैव कन्वर्टेड दिस इनटू द अल्काइल हैलाइड, ठीक है। ओके so we have done the preparation of alkyl halides from alcohols, we have done the preparation of alkyl halides from alkyl halides, we have done the preparation of alkyl halides from aldehydes and ketones, we have done the preparation of alkyl halides from carboxylic acids, theek hai? Okay, theek hai. Ab iske aage aliphatic alkyl halides nahi bante, theek hai? Kuch puchna hai yahan tak? क्लियर? ओके देन, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर। बहुत स्लो कर रहे हो बेटा, जल्दी करो करो करो। ठीक है, ओके नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड्स, ठीक है। एराइल हैलाइड्स का मतलब है जिस कंपाउंड के अंदर हैलोजन डायरेक्टली एक बेंजीन रिंग के साथ अटैच्ड हो। तो यहां पे एराइल हैलाइड का एक जनरल सा रिप्रेजेंटेशन वुड बी दिस इज यहां पर एक्स, ठीक है। दैट इज व्हाट वी हैव एज एराइल हैलाइड्स। अब हम बात करेंगे एराइल हैलाइड्स के प्रिपरेशन के बारे में। ओके द वेरी फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड्स इज फ्रॉम बेंजीन, ठीक है। बेंजीन का हैलोजिनेशन आता है, थोड़ा सा 11वीं क्लास में कभी किया होगा, नहीं? ओके द रिएक्शन इज समथिंग लाइक, हमारे पास है बेंजीन, ठीक है।
इसको हम रिएक्ट करवा देते हैं एक्स टू के साथ, एंड वी रिएक्टेड विद एक्स टू इन प्रेजेंस ऑफ अ लुविस एसिड. अब लुविस एसिड क्या क्या हो सकते हैं? लुविस एसिड हमारे पास हो सकता है AlCl3, FeBr3. सीधा सीधा Fe यूज कर लो. अब एक्चुअली Fe कोई लुविस एसिड नहीं है, लेकिन जब हैलोजन के साथ Fe रिएक्ट करता है तो FeBr3 रिएक्शन मिक्सचर में प्रोड्यूस कर देता है. तो लुविस एसिड तो FeBr3 ही है. ओके या फिर वी कैन यूज BF3. ठीक है, ये सारे के सारे लुविस एसिड्स हैं, इनमें से कोई भी यूज किया जा सकता है. तो लुविस एसिड के साथ जब हम इसको रिएक्ट करवाते हैं, देन इन दैट केस इट प्रोड्यूसेस अ हैलो बेंजीन अलोंग विद HX. ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसके मैकेनिज्म की बात करेंगे कि आखिरकार ये होता कैसे है. तो जब हम इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं, तो हमारे पास ये X2 है, XX, ये फर्स्ट स्टेप है इसका. XX रिएक्ट करता है एक लुविस एसिड के साथ. लुविस एसिड का मतलब है एक स्पीशी जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सके, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचे. तो एल्यूमिनियम क्लोराइड इस हैलोजन के इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचता है. ठीक है, जब ये इसके इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचता है तो ये हैलोजन इस हैलोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है और हमें मिल जाता है एक्स प्लस अलॉन्ग विद एक्स AlCl3 माइनस. ठीक है, ओके, ये जो एक्स प्लस यहां पर बना है, दिस इज एन इलेक्ट्रोफाइल. ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, अब यहां पे हमारे पास सेकेंड स्टेप आ जाता है. ये हमारे पास है बेंजीन. बेंजीन अपने आप में इलेक्ट्रॉन रिच है. इस इलेक्ट्रॉन रिच बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल्स आराम से अटैक करते हैं. ठीक है, तो जब इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर बेंजीन के ऊपर अटैक करता है, देन इन दैट केस यहां पर हमारे पास है एक्स प्लस. ये एक्स प्लस यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर खींचता है. ठीक है, जब ये एक्स प्लस यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर खींचता है, देन इन दैट केस ये बना देता है, ये बेंजीन रिंग है, यहां पर ये एक्स लग गया, यहां पर इस बेंजीन रिंग के पास यहां पे हाइड्रोजन भी है, यहां पर भी हाइड्रोजन है. अब यहां पर जब ये बॉन्ड यहां से खींचता है, तो यहां पर इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. ठीक है, अब यहां पर ये बॉन्ड एज इट इज है, यहां पर ये बॉन्ड एज इट इज है. ओके, अब यहां पर इसके पास दो ऑप्शन है, या तो इस पॉजिटिव के ऊपर कोई नेगेटिव अटैक करके इसको न्यूट्रलाइज कर दे, या फिर ये पॉजिटिव लूज करके न्यूट्रलाइज हो जाए. अब अगर बेंजीन रिंग पॉजिटिव लूज करके न्यूट्रलाइज होता है तो इसका एरोमेटिक कैरेक्टर इंटैक्ट रहेगा, लेकिन अगर इसने ये पॉजिटिव के साथ नेगेटिव अटैच कर लिया तो ये एरोमेटिक नहीं रहेगा. ठीक है, ये बेंजीन नहीं रहेगा. तो ये बेंजीन क्या करता है, ये इस H प्लस को लूज कर देता है. तो यहां से ये H प्लस निकल जाता है. ठीक है, और ये वाला बॉन्ड यहां आ जाता है, तो हमारे पास बन जाता है This is electrophilic substitution of benzene.
कल थर्सडे है ना? ठीक है, ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन. ठीक है, ओके. देन अब यहां पर इस रिएक्शन के अंदर वी कैन प्रिपेयर क्लोरोबेंजीन यूजिंग इट, वी कैन प्रिपेयर ब्रोमोबेंजीन यूजिंग इट. ठीक है, लेकिन हम इससे फ्लोरोबेंजीन नहीं बना सकते. फ्लोरीन बहुत ज्यादा रिएक्टिव, वो पूरे पूरे बेंजीन को डिस्ट्रॉय करके रख देगा. वी कैन नॉट क्रिएट फ्लोरोबेंजीन यूजिंग इट. ठीक है, दूसरा, जब हम आयोडोबेंजीन की बात करते हैं तो ये जो आयोडीन है इसमें जो एच आई बनता है वो अपने आप में एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये रिएक्शन को रिवर्ट कर देता है. तो इसीलिए हमें आयोडोबेंजीन बनाने के लिए इस रिएक्शन में एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ता है. यानी कि अगर मैं आयोडोबेंजीन बनाना चाहता हूं, देन इन दैट केस यहां पर हमारे पास ये बेंजीन है, ये हमने इसको आयोडीन के साथ रिएक्ट करवाया और आयोडीन के साथ यहां पर हम एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देते हैं HIO3 या फिर HNO3. ये जो HIO3 और HNO3 हमने डाला है वो इस HI को कंज्यूम कर लेता है जो इस रिएक्शन के अंदर एज अ बाय प्रोडक्ट बनता है, और तब ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल देता है. इज इट क्लियर? लिखिए, to prepare iodobenzene from this reaction, an oxidizing agent such as HIO3 such as HIO3 or HNO3 is required. Full stop. The HI formed as a byproduct The HI formed as a byproduct in this reaction. The HI formed as a byproduct in this reaction is a reducing agent which reverses the reaction. Which reverses the reaction. The oxidizing agent consumes, the oxidizing agent consumes the HI formed and forces the reaction. Consumes the HI formed and forces the reaction in the forward direction. ठीक है, ओके. नाउ ये तो हमने एराइल हैलाइड का प्रिपरेशन किया बेंजीन से. ठीक है, नाउ एराइल हैलाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम फिनॉल. OH रिप्लेस नहीं होता फिनॉल का. ठीक है, हाँ, अगर हम कुछ और रिएक्शन करना चाहें फिनॉल के रिएक्शन के तौर पे, वो तो वो हो जाएंगे, वहां पे हैलोजन बेंजीन रिंग पे आ जाएगा, लेकिन फिनॉल को रिप्लेस करके नहीं बनेगा. बेंजाल्डिहाइड से नहीं बनता, बेंजोइक एसिड से नहीं बनता. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड्स फ्रॉम
अमीन्स, अमीन का मतलब है एनिलीन। अपना ही घर समझो। अब हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल अराइल हैलाइड्स फ्रॉम अमीन्स। अमीन्स का मतलब हमारे पास सीधा सीधा हो गया एनिलीन। सो वी टॉक अबाउट प्रिपरेशन फ्रॉम एनिलीन। ठीक है, अब एनिलीन हमारे पास ये कंपाउंड है, एनिलीन इज लाइक दिस। अगर हम इस एनिलीन को रिएक्ट करवा दें एच एन ओ टू के साथ, दिस इज कॉल्ड नाइट्रस एसिड। ठीक है, नाइट्रस एसिड एज सच यूज नहीं किया जाता, इसे रिएक्शन मिक्सचर में ही प्रिपेयर किया जाता है। रिएक्शन मिक्सचर में प्रिपेयर कैसे होता है, हमारे पास है एन ए एन ओ टू। ठीक है, इस एन ए एन ओ टू को रिएक्ट करवा देते हैं एच सी एल के साथ, तो यह बना देता है एच एन ओ टू। ऑफकोर्स NaCl साथ में बनेगा। ठीक है, जब इसको नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये एक पिक्यूलियर कंपाउंड बना देता है N2+Cl-। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड। ठीक है, इसे डायजोनियम आयन बोल देते हैं, डायजोनियम सॉल्ट बोल देते हैं। द कंपाउंड नेम इज बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। ओके, अब ये जो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है, इसके अंदर नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये बहुत आराम से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर देता है। ठीक है, अगर इस बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को हम रिएक्ट करवा देते हैं इथेनॉल के साथ, एब्सोल्यूट अल्कोहल के साथ, ठीक है, या फिर H3PO2 के साथ, एनसीईआरटी में इथेनॉल दे रखा है, इट विल गिव अस बेंजीन, सीधा सीधा बेंजीन। ठीक है, अगर हम इसे रिएक्ट करवा देते हैं CuCN के साथ, क्यूप्रस साइनाइड के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो ये हमें दे देता है साइनाइड। ठीक है, अगर हम इसे रिएक्ट करवा देते हैं CuCl के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो ये हमें दे देता है क्लोरोबेंजीन। अगर हम इसे रिएक्ट करवा देते हैं CuBr के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ HBr, तो ये हमें दे देता है ब्रोमो बेंजीन। ठीक है,
अब ये जो तीन रिएक्शन है, यस, ये मिट्टी में होते हैं, तो इसलिए इनको बोलते हैं सैंड में रिएक्शन, ठीक है। अब एक साइंटिस्ट को लगा कि ये जो हम CuBr CuCl बना रहे हैं, ले रहे हैं, इसको हम रिएक्शन मिक्सचर में ही क्यों ना बनने दें। तो उसने कहा कि अगर मैं इस डायजोनियम सॉल्ट को, ये जो डायजोनियम क्लोराइड है N2+Cl- है, इसको मैं क्यूप्रस क्लोराइड की जगह सीधा सीधा कॉपर के साथ रिएक्ट करवा दूं इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो जितना CuCl बनना है वो रिएक्शन मिक्सचर में ही बन जाएगा और रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो उसको भी प्रोडक्ट मिल गया, ठीक है। और जब उसने इसको रिएक्ट करवा दिया Cu+HBr के साथ, तो भी उसको प्रोडक्ट मिल गया। ठीक है, अब पिछली बार मिट्टी में था, तो अगले वाला तो गटर में होगा, तो दिस इज कॉल्ड गटर में रिएक्शन। ठीक है ना, पहले मिट्टी में वो फिर गटर में हो गया। ओके, अब देखो आयोडाइड इस मामले में बड़ा शरीफ है, वो कहता है यार मुझे कोई ज्यादा हील उज्जत नहीं चाहिए, गड़बड़ नहीं चाहिए, सीधा सीधा Ki के साथ रिएक्ट करो और आयोडो बेंजीन बना लो, ठीक है। ओके, अब जैसे कि हमें समझ में आता है फ्लोरीन हमेशा पंगा लेता है, अल्काइल हैलाइड भी बड़ी रो पिट के बनाया था, एक रिएक्शन था जिसे हमने बोला था स्वाट रिएक्शन। और जब हम एराइल हैलाइड की बात करते हैं तो उसका भी एक ही रिएक्शन है, स्पेसिफिक रिएक्शन है, और किसी तरीके से एराइल फ्लोराइड नहीं बन सकते, ठीक है। अब वो तरीका क्या है, हमारे पास है ये डायजोनियम सॉल्ट, ठीक है, इसे रिएक्ट करवाया HBF4 के साथ। HBF4 इज कॉल्ड फ्लोरोबोरिक एसिड, ठीक है। इस फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ जब इसको रिएक्ट करवाया तो ये बन गया बेंजीन रिंग N2+BF4-, ठीक है। दिस इज बेंजीन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट, बेंजीन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट। अब इसको अगर हम कर देते हैं हीट, तो ये बड़ी शराफत से बनाता है फ्लोरोबेंजीन, ठीक है, अलोंग विद BF3 अलोंग विद N2। ठीक है, इस पर्टिकुलर रिएक्शन का एक नाम है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड बाल्स शीमेन रिएक्शन। आपने हीमेन सुना होगा, ये सीमेन भी, शीमेन भी सुन लो,
So that is the preparation of alkyl and aryl halides. ठीक है, नाउ ये तो हमने इनकी प्रिपरेशन की बात कर ली. HCN is not a strong electrolyte. वो एक strong acid है ही नहीं, उसको लेने का कोई फायदा नहीं है. तो यहां पर अगर हम HCl लेते हैं तो HCl से HCN उस reaction mixture में ही बन जाएगा. HCN ले नहीं सकते, फायदा ही नहीं उसको. ठीक है, और कुछ पूछना है? ओके, तो ये हमने बात कर ली प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स की, प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड्स की. वंस वी हैव टॉक्ड अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल एंड एराइल हैलाइड्स, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल एंड एराइल हैलाइड्स. ठीक है, ओके. नाउ हम प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल एंड एराइल हैलाइड्स की बात करते हैं. तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज की जब हम बात करते हैं तो वी हैव टू टॉक अबाउट द मेल्टिंग पॉइंट, वी हैव टू टॉक अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट, एंड वी हैव टू टॉक अबाउट द डेंसिटी, एंड ऑब्वियसली वी हैव टू टॉक अबाउट द सॉल्युबिलिटी एज वेल. ठीक है, अच्छा अब एक बात ध्यान से समझो. अब मैं यहां पर आपको मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट या फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल एंड एराइल हैलाइड नहीं बताने वाला हूं. आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द फिजिकल एंड केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक ही बार में हम कर लेंगे. ठीक है, तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो हम ये ध्यान रखेंगे कि आखिरकार, चलो सबसे पहले हम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं. सबसे पहली चीज, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इस बात पर डिपेंड करता है कि किसी भी सिस्टम को 10 एंगस्ट्रॉम से छोटे पार्टिकल में ब्रेक करने के लिए कौन से बॉन्ड्स तोड़ने पड़ेंगे. कोई भी सब्सटेंस गैशियस स्टेट में तभी आता है जब उसके पार्टिकल का साइज 10 एंगस्ट्रॉम से छोटा हो जाए, अदरवाइज वो गैशियस स्टेट में नहीं आएगा. इज इट क्लियर? ठीक है, तो दैट इज हाउ वी डिसाइड द बॉइलिंग पॉइंट. अब ये सोचना पड़ेगा कि उसको उतने पार्टिकल्स के साइज में ब्रेक करने के लिए हमें कौन से बॉन्ड्स को तोड़ना पड़ेगा. अगर हमारे पास मेटल्स हैं तो हमें मेटलिक बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि पूरा का पूरा मेटल मेटलिक लैटिस के अंदर कन्वर्टेड है. तो जब तक हम उस मेटलिक बॉन्ड को नहीं तोड़ेंगे वो 10 एंगस्ट्रॉम से छोटे पार्टिकल साइज में नहीं पहुंचेगा. अगर हमारे पास आयनिक बॉन्ड है, आयनिक सब्सटेंस है, तो हमें आयनिक बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा. ठीक है, तो तब वो 10 एंगस्ट्रॉम से छोटा पहुंचेगा. जब हम कोवेलेंट सब्सटेंस की बात करते हैं तो कोवेलेंट सब्सटेंस हमारे पास दो तरीके के हैं.
एक कोवेलेंट सब्सटेंस होता है जिसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर सब्सटेंस, और दूसरा होता है कोवेलेंट नेटवर्क। कोवेलेंट नेटवर्क का मतलब है जैसे कि हमारे पास है ग्रेफाइट या फिर हमारे पास है डायमंड या फिर हमारे पास है सिलिका, ठीक है। नाउ दीज आर द सब्सटेंसेस जिनके अंदर एक ह्यूज कोवेलेंट नेटवर्क है। इनको मेल्ट या बॉइल करने के लिए आपको कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, और ध्यान रखना कोवेलेंट बॉन्ड कोई वीक बॉन्ड नहीं होता, कोवेलेंट बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो सिंस द कोवेलेंट बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, इनके बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। ग्रेफाइट हैज द हाइएस्ट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल सब्सटेंसेस। ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट 4100 डिग्री सेल्सियस है, उसके कंपैरिजन में टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट 3400 डिग्री सेल्सियस है। इज इट क्लियर? ठीक है, ओके। तो अगर हमें कोवेलेंट नेटवर्क सब्सटेंस लिया तो इन सब के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। अब हमारे पास दूसरे सब्सटेंस जिसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर सब्सटेंस। नाउ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल का नॉर्मल साइज 10 एंगस्ट्रॉम से छोटा है, तो इस वजह से हमें मॉलिक्यूलर सब्सटेंस को मेल्ट या बॉइल करने के लिए मॉलिक्यूल को नहीं तोड़ना पड़ता। इज इट क्लियर? हमें जैसे कि मान लीजिए हमारे पास है CO2। अब CO2 एक मॉलिक्यूल है, हमें CO2 को ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, और दूसरा CO2 है हमारे पास CO2। अब इन दोनों CO2 मॉलिक्यूल्स के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स है, एंड दिस अट्रैक्टिव फोर्स इज वीक वैन डर वाल फोर्स। ठीक है, ये एक वीक फोर्स है, इसको तोड़ना बहुत आसान है। क्योंकि इसको तोड़ना बहुत आसान है तो CO2 के अंदर हम कम एनर्जी देके उसको गैसीय स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए हमारे पास मीथेन है तो मीथेन और मीथेन के बीच में भी एक वीक वैन डर वाल फोर्स है, इसको भी तोड़ना आसान है। अगर हमारे पास वाटर है और दूसरे वाटर है तो इसके बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड वीक वैन डर वाल फोर्स से ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो इस वजह से वाटर का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के कंपैरिजन में ज्यादा है। इज दैट क्लियर? तो वाटर इज अ लिक्विड, लेकिन फिर भी अगर मैं वाटर के बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो ये 100 डिग्री सेल्सियस है, और जब तक हमारे पास किसी का मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट 500 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ना हो हम उसे कहते हैं लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो जितने भी मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस हैं इन सब का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, क्योंकि किसी भी मॉलिक्यूलर सब्सटेंस को मेल्ट या बॉइल करने के लिए जो अट्रैक्टिव फोर्स हमें तोड़ने पड़ते हैं दे कैन बी वीक वैन डर वाल फोर्स, डैपल डैपल इंट्रैक्शन, और एट द मोस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इज इट क्लियर? सो दे हैव मच लोअर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। हमारे क्लियर? ठीक है, अब एक बहुत ही मजेदार बात, जितने भी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं सारे मॉलिक्यूलर कोवेलेंट सब्सटेंस है। ठीक है, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड आयनिक नहीं है, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड मेटलिक नहीं है, और कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड कोवेलेंट नेटवर्क नहीं है। सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मेल्ट या बॉइल करने के लिए या तो आपको वीक वैन डर वाल फोर्स तोड़ने पड़ते हैं, या डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन तोड़ने पड़ते हैं, या एट द मोस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने पड़ते हैं। ठीक है, सो ऑल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब हमारे पास जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैटेगरीज की बात करते हैं तो हमारे पास है हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स का मतलब है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन। ठीक है, तो जब एल्केन, एल्केन, एल्काइन, बेंजीन की बात करते हैं तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन में सिर्फ एक तरह के फोर्सेस हैं, एंड दैट इज कॉल्ड वीक वैन डर वाल फोर्सेस विच डिपेंड ऑन द सर्फेस एरिया। ठीक है, तो जैसे जैसे मोलर मास बढ़ता चला जाता है, जैसे जैसे सर्फेस एरिया बढ़ता चला जाता है, इनका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता चला जाता है। इज इट क्लियर? ठीक है, फिर हमारे पास है अल्काइल हैलाइड्स, इसके बाद हमारे पास है ईथर। ठीक है,
hydrocarbons, alkyl halide, ethers. The more important force is the weak van der Waal force. ठीक है, तो जैसे जैसे इनका मोलर मास बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे इनका सरफेस एरिया बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो अगर इनकी बात हमें करनी है तो हम सीधा सीधा ये देखते हैं, जो भी मोलर मास का ऑर्डर है वही इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है। इज इट क्लियर, समझ आई बात? ठीक है, तो अगर मान लीजिए मेरे पास है CH4, मेरे पास है CH3Cl, मेरे पास है CH2Cl2, मेरे पास है CHCl3 एंड आई हैव CCl4, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ऐसे इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? तो इस तरीके से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर इंक्रीज करता चला जाता है जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ता चला जाएगा। और इसमें एक और लॉजिक भी बन जाता है, लेट अस से हमारे पास है CH3F, हमारे पास है CH3Cl, हमारे पास है CH3Br और हमारे पास है CH3I। तो जैसे जैसे हम हैलोजन चेंज करते चले जा रहे हैं, सर्फेस एरिया बढ़ता चला जा रहा है, और जैसे जैसे सर्फेस एरिया बढ़ता चला जाएगा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर भी बढ़ता चला जाएगा। तो अल्काइल आयोडाइड्स हैव अ हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू अल्काइल ब्रोमाइड विच हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू अल्काइल क्लोराइड विच हैव हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू अल्काइल फ्लोराइड। इज इट क्लियर? ठीक है, कोई कंफ्यूजन? सरफेस एरिया, वीक वैन डर वाल फोर्स सरफेस एरिया डिपेंडेंट है, ये पता है आपको? वीक वैन डर वाल फोर्स क्या होते हैं ये पता है आपको? क्या होते हैं? एटम्स ले लिए, एग्रीड एग्रीड, होते क्या है? होते क्या है, कैसे होते हैं, आते कहां से हैं? मैं वीक वैन डर वाल फोर्स एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, इतना ध्यान रखो। The weak van der Waal force depend on the surface area. ठीक है, हमारा ये मानना है कि जैसे जैसे मास बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे साइज बढ़ता चला जाएगा और उसके साथ साथ सरफेस एरिया भी बढ़ता चला जाएगा। तो जैसे जैसे मास बढ़ता चला जाता है वीक van der Waal फोर्स बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर? ठीक है, तो जब हम अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्काइल हैलाइड्स की बात करते हैं, ईथर्स की बात करते हैं, तो जिसका भी सरफेस एरिया ज्यादा होगा, जिसका भी मोलर मास ज्यादा होगा, उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। दैट इज व्हाट वी हैव एज द वीक वैन डर वाल फोर्सेस। ठीक है, ओवरडोज तो नहीं हो रही, ऊपर से तो नहीं निकल रहा, समझ आ रहा है ना सब यहां तक? तो ओके, तो यहां पर यह है वीक वैन डर वाल फोर्स। अब देखो यहां पर जैसे जैसे हमने ये हैलोजन बढ़ाते चले गए, वीक वैन डर वाल फोर्स बढ़ता चला गया। नाउ टू टॉक अबाउट फर्दर, ठीक है, अब देखो अगर हम यहां पे इनकी बात करते हैं, तो ये कुछ ऐसी स्पीशी हैं जिनमें सिर्फ वीक वैन डर वाल फोर्स वर्क करता है, हाइड्रोकार्बन, अल्काइल हैलाइड्स, ईथर्स। जब हम एल्डिहाइड एंड कीटोन की बात करते हैं, कीटोन एंड साइनाइड्स, थैंक यू, हम एल्डिहाइड, कीटोन्स और साइनाइड्स की बात करते हैं, तो इनमें डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन सिग्निफिकेंट हो जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए हम बात करते हैं एक कंपाउंड की, जैसे कि हमारे पास है C3H10, C3H8, ठीक है, और हमारे पास है CH3CHO, ठीक है, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ CH3CH8? 41 या 44?
तो इसका मोलर मास है 44। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ CH3CHO? इसका मोलर मास भी 44 है। तो क्योंकि दोनों का मोलर मास सेम है तो इन दोनों में वीक मैन ऑफ ऑल फोर्स बराबर है। इज दिस क्लियर? लेकिन एल्डिहाइड एंड कीटोन के अंदर इन एडिशन टू वीक वैन डर वाल फोर्स डायपोल डायपोल इंटरैक्शन भी होता है। दीज आर पोलर कंपाउंड्स, ये पता है? ऐसे मत करा करो, ऐसे नहीं होता, ऐसे हाँ होता है। ओके, वेरी गुड। तो इसमें डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन है। तो क्योंकि इसके अंदर वीक वैन डर वाल फोर्स के साथ साथ डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन भी है, इसीलिए एसिटाल्डिहाइड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इसके प्रोपेन से ज्यादा है। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले आपको देखना होता है सरफेस एरिया किसका ज्यादा है। अगर दो का सरफेस एरिया बराबर है तो फिर हमें देखना होता है कि किसके अंदर कौन सा अट्रैक्टिव फोर्स है। ठीक है, क्लियर, फाइन। और अगर मान लो दोनों के अंदर अट्रैक्टिव फोर्स सेम है तो सरफेस एरिया से होगा। मान लीजिए कोई आपसे पूछता है कि हमारे पास है HCHO, हमारे पास है CH3CHO, ठीक है, हमारे पास है CH3COCH3। अब एक बार देखो, इसके अंदर भी डापल डापल इंट्रैक्शन इसमें भी है, इसमें भी है, तो तीनों में डापल डापल इंट्रैक्शन बराबर है। तो अब हम यहां पे सरफेस एरिया से आंसर निकाल देंगे। इसका सरफेस एरिया सबसे कम है तो इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है। इसका सरफेस एरिया थोड़ा ज्यादा है तो इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ज्यादा है। इसका सरफेस एरिया सबसे ज्यादा है तो इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। इज इट क्लियर? अब आपका सवाल होगा, अगर सर हमसे कोई ये कहता है कि एक का सरफेस इसका जैसे C3H8 है और हमारे पास HCHO है, तो इसके अंदर तो सरफेस एरिया ज्यादा है, इसके अंदर डैपल डैपल इंट्रैक्शन ज्यादा है, तो अब बताओ हमें कैसे पता चलेगा इनमें से किसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है? डू यू नो व्हाट द आंसर इज? आई डोंट नो, दैट्स द आंसर। समझे? ज्यादा अपनी नाक मत घुसेड़ना। अगर दो अपोजिंग फैक्टर्स आ जाएं, यानी कि एक फैक्टर कहता है ये ज्यादा होगा, दूसरा फैक्टर कहता है ये ज्यादा होगा, तो अपनी नाक मत घुसेड़ना, कह देना मुझे नहीं पता। जब तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें एक फैक्टर कॉमन होगा और एक फैक्टर से आंसर आ जाएगा, अपोजिंग फैक्टर्स नहीं होंगे। अपोजिंग फैक्टर सिर्फ तब होते हैं जब रट्टा हुआ क्वेश्चन होता है। रट्टा हुआ यानी कि एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है इसका आंसर ये है, तो उसको चिपकाने के लिए अपोजिंग फैक्टर हो सकते हैं। उसके अंदर दिमाग नहीं लगाना, रट्टा मारना है। दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन में अपोजिंग फैक्टर नहीं होंगे। इज इट क्लियर? या तो वीक वैन डर वाल्स फोर्स से आंसर आएगा या दूसरे अट्रैक्टिव फोर्स से आएगा, दोनों अपोजिंग नहीं। ठीक है, इज दैट क्लियर? ओके, सो दैट्स व्हाट वी हैव एज द मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दीज कंपाउंड्स। अब ये तो हमने एल्डिहाइड और कीटोन की बात की। फर्दर हमारे पास एक और कैटेगरी ऑफ कंपाउंड है, अल्कोहल्स, अमीन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइड्स। नाउ दीज आर द कंपाउंड्स विच आर केपेबल ऑफ फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, इज इट क्लियर? अब अगर मान लीजिए मैं इसकी बात करता हूं, हमारे पास एक कंपाउंड है C3H8, हमारे पास कंपाउंड है CH3CHO और हमारे पास कंपाउंड है C2H5OH। ठीक है, इसका मोलर मास इज 44, इसका मोलर मास इज 44, इसका मोलर मास इज 46। ठीक है, अब एक दो मोलर मास से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उसके ध्यान में नहीं पड़ते। तो यहां पे हम ये कह सकते हैं इन तीनों कंपाउंड्स के अंदर वीक वैन डर वाल्स फोर्स बराबर है। ठीक है, अब इसके अंदर सिर्फ वीक वैन डर वाल्स फोर्स है, इसके अंदर डापल डापल इंट्रैक्शन है, तो इसके अंदर डापल डापल इंट्रैक्शन है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इसके कंपैरिजन में ज्यादा हो गया। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर दैन डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन, एंड सिंस हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर दैन द डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इससे भी ज्यादा है। इज दैट क्लियर? एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन विद दैट? H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बताया था मैंने, डबल डबल इंट्रैक्शन नहीं बताया था। तो ज्यादा है ना, किसने का नहीं है भैया? 500 से ज्यादा नहीं है, 100 डिग्री तो है।
यहां पे जब हम सी एच फोर की बात करते हैं तो सी एच फोर एट द नॉर्मल टेम्परेचर इज अ गैस, सीओ टू एट अ नॉर्मल टेम्परेचर इज अ गैस। सीओ टू का मोलर मास 44 है फिर भी ये गैस है, मीथेन का मोलर मास 16 है फिर भी ये गैस है, वाटर का मोलर मास 18 है और ये लिक्विड है, तो जितना होना चाहिए उससे तो ज्यादा हो गया ना, ज्यादा और कम कंपेरेटिव है, एब्सोल्यूट नहीं। इज इट ओके? ठीक है, क्लियर। इससे पहले मैंने क्या बोला था, किसी भी कोवेलेंट मॉलिकुलर सब्सटेंस का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट 500 डिग्री से कम होता है, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड भी बहुत स्ट्रांग नहीं है, कोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड से तो वीक ही है। इज दिस क्लियर? ठीक है, अब ये तुमने मुझसे गप्पे बड़ी सारी मार ली, लिख कुछ नहीं रहे हो, क्या हो गया? अब लिखवाऊं? लिखवा देता हूं, लिखना शुरू करो। तो मैं पूरा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की पूरी कहानी लिखवा रहा हूं तुम्हें, ठीक है? लिखिए। टू मेल्ट और बॉइल अ सब्सटेंस इट मस्ट बी ब्रोकन इंटू पार्टिकल्स हैविंग साइज लेस दैन 10 angstrom. Full stop. Stronger are the forces which must be broken, comma, higher will be the melting and boiling point. Higher will be the melting and boiling point. Full stop. In case of ionic substances, we have to break ionic bond. In case of ionic substances, we have to break ionic bond. Full stop. It is always strong. Hence, ionic substances always and ionic substance always have a high melting and boiling point. Full stop. In case of metals, the metallic bond has to be broken. In case of metals, metallic bond has to be broken. Full stop. Metallic bond has a long range. Full stop. At one end is mercury. At one end is mercury, which has a melting point. At one end is mercury, which has a melting point of minus 38 degrees Celsius.
melting point of minus 38 degrees Celsius and boiling point of 360 degrees Celsius. Boiling point of 360 degrees Celsius. While on the other end is tungsten. While on the other end is tungsten, having a melting point of 3,400 degrees Celsius, and a boiling point, and a boiling point greater than 5,000 degrees Celsius. Full stop. The covalent substances are of two types. One, covalent network substance. Such as diamond, graphite, silica, in which the entire structure, is held together by covalent bonds. The entire structure is held together by covalent bonds. Full stop. These bonds are very strong and so these bonds are very strong and so such substances have very high melting and boiling point and are very hard. Such substances have very high melting and boiling point and are very hard. Full stop. The other are molecular substances. Full stop. The molecules in general have a size less than 10 angstrom. So to melt or boil, molecule doesn't need to be broken. Full stop. The two molecules are held together by weak intermolecular forces. Such as
weak van der Waal forces, such as weak van der Waal forces, comma, dipole-dipole interaction, dipole-dipole interaction, or at the most, hydrogen bond. Full stop. These forces are much weaker. These forces are much weaker than covalent, ionic, or metallic bonds. These forces are much weaker than covalent, ionic, or metallic bonds. So, the molecular substances have low melting and boiling points. Molecular substances have low melting and boiling points. अभी अभी जो हमने किया है, अभी अभी हमने जो लिखा है, it is not just the organic chemistry, it is the melting and boiling points of the entire chemistry, all the matter. तो मैंने आपको उसका सबका रीजन लिखवा दिया है, समझ आ रही है बात? तो कहीं पर भी अगर हमें किसी भी सब्सटेंस की अगर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करनी है तो हमें इसी चीज को ध्यान में रख के करनी है. सबसे पहले हम सब्सटेंस को क्लासिफाई करेंगे. इज इट अ मेटल, इज इट अ आयनिक सब्सटेंस, इज इट अ कोवेलेंट नेटवर्क सब्सटेंस, और इज इट अ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस. ठीक है, सबसे पहले तो हमें यह क्लासिफाई करना है. जब यह क्लासिफाई कर लिया तो हमें सडनली उसी समय पता चल जाएगा इसके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स क्या है. जैसे ही हमें अट्रैक्टिव फोर्स पता चल गए, अब उनको अरेंज कर लो, आंसर मिल जाएगा. Is it clear? तो step by step चलना होता है, रटना नहीं होता. ठीक है, अब आगे लिखो. अब तो लिखना है. All the organic substances, are covalent. All the organic substances are covalent molecular substances. All the organic substances are covalent molecular substances. Full stop. Hence, their melting and boiling points. Hence, their melting and boiling points are decided by intermolecular forces. अब intermolecular forces कौन से हैं? Weak van der Waal force, dipole-dipole interaction, hydrogen bond. तुम्हें दोबारा लिख लो, नहीं लिखने समझ लो. ठीक है? Weak intermolecular forces. ठीक है? Full stop. आगे लिखिए. The weak van der Waal forces depend on surface area which in turn depends on which in turn depends on molar mass. ठीक है, तो यानी कि सीधी सी बात है, जिसका मोलर मास ज्यादा है उसमें वीक वैन डर वाल फोर्स ज्यादा है. ठीक है, आगे लिखिए. इन केस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, अल्काइल हैलाइड्स, एराइल हैलाइड्स, alkyl halides, aryl halides, and ethers, alkyl halides, aryl halides, and ethers,
द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड ओनली ऑन द सर्फेस एरिया, ओनली ऑन द सर्फेस एरिया, ठीक है, फुल स्टॉप. एल्डिहाइड कीटोन्स एंड नाइट्राइल्स, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड नाइट्राइल्स, नाइट्राइल्स बोलो या साइनाइड्स बोल दो, बात एक ही है. एल्डिहाइड एंड कीटो, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड नाइट्राइल्स हैव डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन एज वेल, हैव डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन एज वेल, हेंस हेंस हैव अ हायर melting and boiling point compared to higher melting and boiling point compared to similar molar mass compared to similar molar mass hydrocarbons एंड अल्काइल हैलाइड्स, अल्काइल हैलाइड्स ईथर्स सारे वही, ठीक है, फुल स्टॉप. अल्कोहल्स, अमीन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमाइड्स, are able to form hydrogen bonds so their melting and boiling points are still higher. ठीक है, समझ आ गया ये बात, पढ़ो इसे पूरे को, कुछ पूछना है तो पूछो.